हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे हो गए गाइस। आज आपके लिए एक और नई खबर मैं लेकर के आया हूँ जियो की तरफ से। हाँ, आप तो जैसे जानते ही हैं कि जियो का जो है प्लान डे बाय डे, मंथ बाय मंथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब जो नया प्लान आया है वो जियो धन धनाधन वाला जो प्लान पिछला था वो जा चुका है। अब 11 जुलाई 2017 से एक नया प्लान आ गया है, हाँ, जो जियो ने अब नई लॉन्चिंग की है आज की डेट से। तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या नया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहले 309 और 99 का जो मेंबरशिप आप लेते थे, टोटल 408 का जो रिचार्ज कराते थे आप, वो अब चेंज हो गया है। अब उसका जो रेट हो गया वो हो गया है 399 रुपये का 3 मंथ के लिए, जिसमें आपको पर डे 1 GB डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, ठीक है। और उसमें अगर आपने 99 का रिचार्ज करा रखा है तो 399 का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, और अगर नहीं कराया है तो उसको आप करा लीजिए, ठीक है। तो आपको टोटल 498 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा अगर 99 का मतलब मेंबरशिप अगर आप ऐड करते हैं तो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक और रिचार्ज है 349 का, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि 349 का जो रिचार्ज है वो यूज़ डाटा विदाउट डेली, मतलब वो मुझे सही से क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में सही से बता नहीं सकता आपको। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। अगर कंटिन्यू विद सेम बजट, मतलब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें 309 रुपये का जो रिचार्ज जो पहले आता था, 309 का जो आप जियो धन धनाधन का ऑफ़र का जो रिचार्ज कराते थे वो 3 मंथ का रहता था, अब इसमें क्या है वो 2 मंथ मतलब 54 दिन का हो गया है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 1 GB डेटा मिलेगा अगर आप 99 रुपये की मेंबरशिप करा रखे हैं तो। अब इसका प्रीपेड का कुछ प्लान देख लेते हैं हम, ठीक है। जो अब जो लेटेस्ट जो प्लान आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो जो प्लान है वो है 149 का, दूसरा है 309 रुपये का, जिसमें आपको 28 दिन तक 1 GB पर डे डेटा मिलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, 149 वाले में आपको 28 दिन तक, ठीक है, आपको डेटा तो मिलेगा बट उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 10 MB मिलेगा, जिसमें आपको यूज़ करना है 2 मंथ तक, ठीक है। तो ये तो 149 का प्लान था, 309 का प्लान भी मैंने आपको बता दिया। आप 349 वाला तो मुझे खुद भी सही से क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 349 में थोड़ा सा मैटर है, मैटर ये है कि वो भी 54 दिन का है बट उसमें भी आपको 10 GB पर डे मतलब 10 GB टोटल डेटा मिलेगा जो 54 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सबसे बढ़िया प्लान जो आपका है वो है 399 रुपये का, जिसमें आपको 1 GB पर डे डेटा मिलेगा प्लस 3 मंथ तक आपका जो है अनलिमिटेड कॉलिंग रहेगी। आप जितनी चाहिए कॉलिंग करिए, जितनी चाहिए मैसेजेस करिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये सब सारी चीज़ें आपको 399 रुपये में मिलेगी। अगर आपने 99 का जियो पैक जो वो मेंबरशिप वाला जो प्लान था वो अगर पढ़वा रखा है तो। इसके बाद दोस्तों, अगर आप 2 GB डेटा अगर यूज़ करना चाहते हैं पर डे, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक प्लान है, वो है 509 रुपये का। यह भी बहुत अच्छा प्लान है। इसमें आपको जैसे 1 GB डेटा आप 399 में यूज़ करते हैं, वैसे आप 509 में आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा, जिससे आपको मतलब 84 दिन तक आपको वो डेट रहेगी 84 दिन की, ठीक है। आप 84 दिन तक जितना चाहिए यूज़ करिए 2 GB पर डे मतलब डेटा, ठीक है, पर डे डेटा। उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो 3-4 प्लान और आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 999 का प्लान है, वो तो खैर कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसमें जैसे 600 GB डेटा जो आपको मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ 300 GB डेटा और आपको फ्री हो जाएगा, जिससे आपको जैसे मान लीजिए आप पर डे 2 GB डेटा पाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या है पर डे आप 3 GB डेटा पाएंगे, जिससे आपको है फ़ायदा ये होगा कि आप मंथ मतलब 3 मंथ में आप 900 GB डेटा उड़ाएंगे। तो मौज है, आप 999 का कराइए या 1999 का कराइए, जितना आप पैसा लगाएंगे उतना डेटास बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से जो बेस्ट प्लान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 349 का और 399 का, जो सबसे परफेक्ट प्लान है, जो आम जनता भी यूज़ कर सकती है या हाई क्लास के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जिसको चाहिए यूज़ करिए, वो उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। 399 का डेटा मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने रिचार्ज नहीं कराया है तो प्लीज़ आप उस रिचार्ज को करा लीजिए, हाँ, क्योंकि वो फिर डे बाय डे ऐसा होता है कि आज ये प्लान है, कल वो प्लान होगा, कल वो प्लान होगा, तो हो सकता हो कि ये जो 99 मतलब 84 डेज़ का जो आपको डेटा मिल रहा है पर डे 1 GB का,
हो सकता हो ये 54 डेज का हो जाए, तो इसलिए देर ना करिए और इसको रिचार्ज करा लीजिए। अब आते हैं पोस्टपेड प्लान पे। पोस्टपेड प्लान भी सेम वैसे ही है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मतलब मैं पोस्टपेड यूज़र नहीं हूँ इसलिए मैं आपको सही तरीके से नॉलेज नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, पोस्टपेड से अच्छा आपको प्रीपेड पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए, प्रीपेड वाले में जो बता रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि न्यू जो जितने भी कस्टमर होंगे उनको 99 का एनरोल मतलब जियो प्राइम मेम्बरशिप लेनी ही पड़ेगी, तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये आप करा लीजिए। अब उसके बाद से अगर एवरीडे वैल्यू देखें तो ये इस तरीके की है वैल्यू, आप देख लीजिए इसको, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो ये 399 वाला प्लान आप करा लीजिए, और कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। जियो धन धना धन ऑफ़र आया तो वापस, लेकिन सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इसमें। और इसमें जो आपको नया प्लान आया है वो है 11 तारीख से आपको 399 का और 349 का, जो बहुत अच्छा प्लान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो जिसका चैनल है उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने मेरी वीडियोस को आपके तक पहुंचाया है, ठीक है। अब मेरा भी चैनल मतलब मेरा भी जो चैनल है आकिब खान के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शनाया खान जी के चैनल में।